दोस्तों, एक ऐसा बैंक अभी के टाइम में लोगों के ऊपर केस कर रहा है, लगभग 2 लाख लोगों के ऊपर ऑलरेडी केस कर चुका है, वो मैं आज आप लोगों को लाइव एग्जांपल के थ्रू लाइव प्रूफ दिखाऊंगा ई कोर्ट सर्विस में जाके। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा कैसे जो है वहां पर केस दे रहा है, कौन सा वो कंपनी है, कौन सा वो बैंक है जिसके थ्रू आप लोगों ने लोन लिया है और आप लोग चुका नहीं पा रहे हो तो आपके ऊपर ये केस हो रहा है, और आगे क्या होने वाला है वो सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ये कंपनी से, जो भी कंपनी का नाम आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये कंपनी का जो भी आप लोगों ने लोन लिया है, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। किस तरीके से आपको बचना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिंपल वे में आप लोगों को बचना है, आप लोग बच सकते हो आसानी से, लेकिन आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि ये कौन सा कंपनी है, क्या करता है, और इसका जो भी करने का प्रोसेस है वो, उससे आप लोग कैसे जो है इससे बच सकते हो, आपको करना क्या है, ठीक है। तो सारा कुछ जो है आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोडिंग करनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो एक बैंक का नाम आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो HDFC बैंक है, अगर मानो आप लोगों ने इससे लोन लिया है, इस कंपनी से, ये ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन भी लोन प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन भी लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन आपने लोन लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये ECS एक्टिवेट करा लेते हैं, आगे वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया। तो ECS अगर एक्टिवेट करा लेते हैं या फिर ऑफलाइन आप लोगों को लोन मिलता है तो वहां पर चेक लेता है। तो वहां पर क्या करते हैं, अगर मानो ECS एक्टिवेट कराए हैं और ECS बाउंस कर रहे, तो वहां पर सेक्शन 25 के ऊपर कोर्ट में जाके केस दर्ज कर रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों के ऊपर ये केस ऑलरेडी हो चुका है, और वो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, और वो लाइव प्रूफ कैसे दिखेगा वो आप लोगों को फोन के स्क्रीन पे ई कोर्ट सर्विस में जाके मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल भी दिखाऊंगा। तो मैं अपने फोन की स्क्रीन पर चलता हूँ और आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ, और उसके बाद का जो भी है क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भर भर के जो है HDFC बैंक लिमिटेड के वर्सेस जो अभी है कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, भर भर के जो है केसेस है। और ये कहाँ पर है पता है, ये लगभग 4000 केसेस पश्चिम मेदिनीपुर में है। आप लोग समझ सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया में कितना केसेस होगा, 2 लाख से भी ज़्यादा होगा। मैंने आप लोग इसलिए बताया कि 2 लाख से ऊपर जो है लोगों के ऊपर केस हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसा केस में क्या है, ये केस क्यों किया है। एक केस का कंप्लेंट मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद देखने को मिल रहा है SR AD अपियरेंस, केस का स्टेज जो है यहाँ पर है, ठीक है। कब केस किया है फाइल, 21/12/2023 को किया है। अब यहाँ पर पिटिशनर का नाम जो है, एडवोकेट का नाम दिखेगा HDFC के तरफ से, और एक्ट जो है आप लोग देख सकते हो 25 सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन के थ्रू ही जब आप लोग लोन लेते हो तभी ये जो भी है सेक्शन 25 लगता है, ठीक है, ECS बाउंस के ऊपर। तो आप लोग जब भी यहाँ पर देखोगे तो मतलब यहाँ पर भर भर के जो है वहाँ पर केस है, सिर्फ सेक्शन 25 स्टेज है अपियरेंस, जो भी है भर भर के लोगों के ऊपर केस कर दिया है। अब मानो आपके ऊपर भी यहाँ पर इस तरीके का केस कर दिया, तो आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एट द एंड तक आपके साथ क्या हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो पे केस जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो किस बेसिस में ख़त्म हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो 2024 का दिखा रहा हूँ आप लोगों को अपडेट, डिस्पोज केस, जो भी केस खत्म हो चुका है, थोड़ा सा देखता हूँ, 5 केस का खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए एक केस है जो कि खत्म हो चुका है HDFC बैंक का, 2 केस है। तो यहाँ पर कंप्लेंट में चलता हूँ, उसके अंदर कंप्लेंट में जाने के बाद आप लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है, नेचर ऑफ डिस्पोज, अनकॉन्टेस्टेड विदड्रॉन बाई प्रोसिक्यूशन, विदड्रॉ कर लिया है केस, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट आप ऑर्डर का बुक में यहाँ पर देखता हूँ डाउनलोड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखता हूँ इसको डाउनलोड अगर हो जाता है तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लाइव में क्या होगा, क्या हो रहा है। एक मिनट वेट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्लेंट फाइल्स ए पिटिशन अंडर सेक्शन 257 CRPC विद ए प्रेयर फॉर परमिशन टू विदड्रॉ द कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, कंप्लेनेंट इज प्रेजेंट हेयर, कंसिडर द कंप्लेंट सबमिट, द डिस्प्यूट हैज एकेम्बली सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, हिंस द कंप्लेनेंट प्रेयर टू विड्रॉ द कंप्लेंट्स। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर विड्रॉ किया है उसका जो है, यहाँ पर फाइल है देखने को मिल रहा है लाइव, ठीक है। क्या लिखा है इसमें कि पार्टी के साथ जो है समझौता हो चुका है, मतलब सेटलमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर घूम फिर के कहाँ पर आ रहा है सेटलमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। केस कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल भेज देगा या फिर आपके ऊपर जो है पेनल्टी लग जाएगा, आपको सेटलमेंट मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर अगर केस करेगा तो वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से क्या होगा फ़ायदा, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, जो पैसा उनको मिले वही उसको अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो केस है वो जो सेटलमेंट मतलब जो भी केस यहाँ पर डिस्पोज हुआ है उसका क्या है,
डिस्पोज थ्रू लोक अदालत। आप लोग देख सकते हो, लाइव एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा है कि डिस्पोज हो चुका है लोक अदालत में जाके। अब देखते हैं इसका जो भी है ऑर्डर आया है, नहीं आया है कुछ भी ऑर्डर, नॉट भी सपोज कोई भी है यहाँ पर जो भी देख रहा है, कि क्योंकि ये केस जो है यह लोक अदालत में सेटल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मानो आप लोगों को हर समय मैंने बताया था कि आप लोगों ने कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, बैंक से लोन लिए हो, ECS एक्टिवेट है, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर अगर केस भी करता है ECS के ऊपर, बाउंस ECS बाउंस के ऊपर, तो वहाँ पर आप लोगों को जाने के बाद अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और वो सेटलमेंट का ऑप्शन किस लेवल तक मिल सकता है आप लोगों को पता है? 10 लाख का अगर लोन होगा, ठीक है, तो 10 लाख का अगर लोन होगा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो मानो 10 लाख का आपका लोन है, आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, सेटलमेंट पे जाना चाहते हो, लेकिन वहां पर कंपनी क्या कर रहा है, 6 लाख से नीचे उतर ही नहीं रहा है। वो बोल रहे नहीं सर, 6 लाख से नीचे नहीं जा पाऊंगा, नहीं होगा इतना सेटलमेंट कम, ठीक है। लेकिन अगर मानो आपके ऊपर केस करता है, तो अगर आप वहां पर जाके जो भी समन आपका आता है, समन आने पर आप लोगों को जो है वहां पर बेल लेना पड़ेगा। बेल अगर आप ले लेते हो 5-7 हज़ार खर्चा होगा, मैं आप लोगों का अप्रोक्स बता रहा हूँ, 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है, वो एडवोकेट के चार्जेस को मिलाकर होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 5,000 से 6,000 के बीच में ही होगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, बोलना मुश्किल, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो होता है चार्जेस होता है। अब मानो बेल एक बार आप लोगों ने ले लिया, तो वहाँ पर क्या करेगा कंपनी, खुद से आपको ऑफर देगा, उनको पता है कि भाई इसने बेल ले लिया है, मतलब क्या है, ये अब केस जो है कोर्ट में लेके चला जाएगा, अगर कोर्ट में लेके चला जाता है तो वहाँ पर दिक्कत हम ही लोगों का होगा, मतलब कंपनी लोग सोच रहा है, कंपनी लोगों को ये पता है कि भाई मैं अगर केस जो कि कोर्ट में जाके लड़ूंगा तो जीतूंगा, लेकिन कब तक जीतूंगा वो पता नहीं है। अब मानो एक के ऊपर तो नहीं है करोड़ों रुपए का, कि एक के ऊपर केस लड़ूंगा, चलो कोई बात नहीं, हो गया, लाखों लोगों के ऊपर केस किया है, आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाया। अब लाखों लोगों के ऊपर केस अगर किया है, तो अगर सभी के ऊपर जो केस करने के बाद सभी को बोलेगा कोर्ट में जाके केस लड़ूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बैंक के पास भी इतना समय नहीं है, और वो इतना पैसा खर्चा भी नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट में अगर केस करने जाएगा तो वहां पर खर्चा होता है, ठीक है। तो मानो कि वहां पर एक बार बेल ले लेते हो, वो 6 लाख का जो भी सेटलमेंट का ऑप्शन, वो 1.5 लाख में आ जाएगा, आपको खुद से ऑफर देगा कि आप 1.5 लाख में सेटलमेंट कर लो सर, हम आपको इतना सेटलमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं, आप लोग कर लो, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। या फिर आप लोग जो बोलोगे कि आप लोग बोले कि 2 लाख का सेटलमेंट, तो वही एग्री कर लेगा कि आपसे किस में बात हुआ था, 2 लाख में, चलिए 2 लाख में आप दे दीजिए, आपका सेटलमेंट कर लेते हैं और आपका केस भी हम विड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरीके से सेटलमेंट होता है, और इसी तरीके से यहाँ पर विड्रॉ भी होता है केस। आप लोगों को डरना ही नहीं है, थोड़ा बहुत अमाउंट आप लोगों ने लेके रखे हुए हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आप लोगों ने 10 लाख 20 लाख तो नहीं लिया है ना, छोटे छोटे NBFCs है, तो यहाँ पर 1 लाख का अगर मानो 20-30 हज़ार भी अगर आप थोड़ा सा जुगाड़ करके आप पेमेंट कर देते हो, तो आप लोग इससे निकल जाओगे आसानी से। अगर नहीं भी है तो आपको टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये अगर बेल लेते हो ना, नेक्स्ट जो डेट पड़ेगा वो डेट कब तक आप लोगों को मिलेगा पता है? 9 महीना, 10 महीना, 1 साल के बाद। तो आप लोगों को इतना टाइम मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इतना टाइम, तो आप लोग उसमें पैसा जुगाड़ कर सकते हो, सेटलमेंट कर लेना, उसके बीच में सेटलमेंट कर लेगा तो कंपनी एग्री करेगा और केस भी विड्रॉ कर लेगा, आपको झंझट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि अगर मानो ये कंपनी या फिर बैंक से लोन लेते हो, ECS एक्टिवेट है, केस करता है, तो आपको किस तरीके से उससे बचना है, और बच सकते हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको जेल भेज देगा, बहुत सारा चीज़ें आपको डर लगता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आप लोगों को दिखाता है, डराता है, नहीं डराएगा तो वो पैसा कैसे मिलेगा उनको, बस आपको समझना है ये चीज़। आप लोग देखे होंगे सबसे पहले वो डराता है, भाई पैसा नहीं देगा तो देख मैं तेरे हाल क्या करता हूँ, डरा दिया, जो डर गया सो मर गया। आप लोगों को पता है डरोगे तो आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों को मतलब काम ही नहीं करेगा दिमाग कि आप लोगों को करना क्या है, डरना आप लोगों को मना है, डरना नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले, तब तक के लिए चलता डब्बा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।